जब महाभारत में आप देखते हो अर्जुन और श्री कृष्ण जी, तो उन्हीं का रूप है नरनारायण का। शंख क्यों नहीं बजाया जाता है? ये गुफा है, यहाँ पे महाभारत लिखी थी गणेश भगवान जी ने। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आपका स्वागत प्रणाम है। गोविंद घाट से आज हम बद्रीनाथ धाम जाने वाले हैं। पुलना से गाड़ी में यहाँ तक तो आ गए, मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हो गया आंटी लोगों का, क्योंकि नेटवर्क गायब हो गया एयरटेल का, तो इस वजह से। बाकी अभी संगतें यहाँ से रवाना हो रही है गाड़ी में, टैक्सी में बैठ के पुलना जाएंगी और वहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट होगी। बाकी सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है, ये देखिए। और हम भी जाना है हमने उन पहाड़ियों के ऊपर। कल रात भयंकर बारिश हो रही थी, लेकिन अभी मौसम खुल गया, सुबह तक बारिश थी तो ये अच्छी बात हो गई, मौसम खुला रहा। तो भाई सभी पहुंच चुके हैं यहाँ पे बद्रीनाथ धाम में, आंटी जी, वीर जी, सभी लोग पहुँच चुके हैं दर्शन के लिए और मौसम बढ़िया हो गया। कल रात में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इस वजह से लग रहा था कि इम्पॉसिबल हो गया, रोड ब्लॉक होगी। और बद्रीनाथ धाम जो नरनारायण पर्वत के बीच बसा हुआ एक धाम है, प्यारा सा, खूबसूरत सा, तो वहाँ पे आज दर्शन करने का इस साल तीसरी चौथी बार मौका। तो वैसे तो आंटी जी लोग भाई श्री हेमकुंड साहिब यात्रा पैदल पैदल करते थक गए, यहाँ ज़्यादा पैदल नहीं है, आ जाओ आ जाओ। और जो यहाँ पे आपको इतना कंस्ट्रक्शन दिख रहा है ना दोस्तों, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है मोदी जी का, और ताकि ओपन हो जाए, देखो कितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का कार्य यहाँ पे हो रहा है, ताकि दूर से ही बद्रीनाथ धाम के हमें दूर से ही दर्शन हो पाए। भाई बद्रीनाथ धाम में भी आजकल थोड़ी सी ना श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी हुई है, दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं देश विदेश से। तो भाई बहुत अच्छा दृश्य लगता है, तो माया नगरी भी बोला जाता है बद्रीनाथ धाम को, क्योंकि भाई माया कहें तो आप शोरगुल हमेशा चहल पहल रहती है। वहीं केदारनाथ धाम में अगर इतनी भीड़ भी हो तब भी एक अजीब सा सुकून और एक मेडिटेटिव ऐसा ध्यान मग्न जो शिव भगवान रहते हैं, उस वजह से वहाँ का वातावरण भी शांत स्वभाव का रहता है। बट ये माया नगरी है तो यहाँ पे कभी एक बंदा भी होगा तब भी आप बोर नहीं हो सकते। यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। बिल्कुल सामने खड़े हैं हम बद्रीनाथ धाम के मंदिर के सामने पे, और यहाँ पे ज़्यादा भीड़ अभी है श्रद्धालुओं की जो कि दर्शन के लिए आ रहे हैं। नरनारायण एक पर्वत इधर है, एक इधर नरनारायण पर्वत बोलते हैं, जो कि विष्णु भगवान के ही रूप है। तो भाई आपको एक चीज बता दूं, नरनारायण पर्वत के बीच जो बद्रीनाथ धाम बसे हैं, तो नरनारायण का रूप जब महाभारत में आप देखते हो अर्जुन और श्री कृष्ण जी, तो उन्हीं का रूप है नरनारायण का। और दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, तो आपने सुना होगा मंदिरों में जो सबसे अच्छा काम हो या काम ख़त्म होता है तो शंख बजता है, तो यहाँ पे बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता है उसका। तो पहली मान्यता मैं सुना देता हूँ कि शंख क्यों नहीं बजाया जाता है। जब माता लक्ष्मी जी यहाँ पे ध्यान कर रही थी, तो विष्णु भगवान ने एक शंखचूर्ण नाम के एक जो राक्षस थे उनका वध किया था, ठीक है। तो ये रीज़न है कि माता लक्ष्मी जी तुलसी के रूप में यहाँ पे तपस्या कर रही थी, इसलिए शंख को नहीं बजाया जाता था ताकि उनका ध्यान भंग ना हो। दूसरी मान्यता यह है कि जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था तो भगवती जी ने राक्षसों का संहार किया था, और उसमें से अतापी और वतापी जो बच के निकल आए थे, एक जो राक्षस थे वो अलकनंदा नदी में छुप चुके थे और एक जो है शंख के अंदर छुप चुके थे,
तो कहा जाता है कि अगर उस संघ को यहाँ पे संघ को बचाएंगे जो अतापी है वतापी, उनमें से एक राक्षस जो है बाहर आकर के फिर से आतंक करेंगे, फिर से मतलब जो है ऋषि मुनियों को मारेंगे या ऐसा कुछ होगा। तो इसलिए यहाँ पे कभी भी संघ को नहीं बजाया जाता है। तो ये कहानी है। तो भाई यहाँ पे तप्त कुंड और सूर्य कुंड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्नान ले रहे हैं, बिल्कुल गर्म पानी होता है। फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होने से जो चर्म रोग है, स्किन डिजीज है, उसका भी यहाँ पे निवारण हो जाता है भाई भगवान की कृपा से। और यहीं अलकनंदा निकलती है जो कि माता सरस्वती जो माणक गांव में है वहाँ से मिक्स हो करके घुल मिल करके अलकनंदा में बहती है जो कि गायब हो जाती है, नदारद हो जाती है। तो बाकी ये देखे भाई नर नारायण पर्वत। दर्शन करके आ तो चुके हैं, आप जाएंगे माणा गांव में, वहाँ भी थोड़ा दर्शन दोबारा से कर लेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। आज मौसम बढ़िया है। तो सामने है बामड़ी गांव, जो पांडुकेश्वर में लोग रहते हैं वो यहाँ इन गांव में भी रहते हैं। और ऊपर जो है जो नीलकंठ पर्वत है वो ऊपर दिखते हैं, श्रीम गुड साहिब से भी दिखते हैं। और वहीं पर चरण पादुका है, विष्णु भगवान के चरणों के निशान। तो काफ़ी दूर है, बहुत चीज़ें जो यहाँ एक्सप्लोर हो सकती है। और एक बाबा जी जो 12 महीने यहाँ रहते हैं तो उनसे भी कभी मिलेंगे। और भाई आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ जो कि पुराणों से लिखी भी आ रही है कि जो बद्रीनाथ धाम होता है 6 महीने की ओपनिंग होती है, बाकी 6 महीने बंद रहता है। स्टिल जो हम जो लौ और दिया जलाते हैं यहाँ पे क्लोजिंग के दिन, वो अगले ओपनिंग डे तक जली हुई रहती है। कहा जाता है कि उस टाइम नारद जी जो है यहाँ पर पूजा वगैरह करते हैं विष्णु भगवान जी के, और इसलिए इंसानों को परमिट नहीं किया जाता है विदाउट इमरजेंसी। और दूसरा साइंटिफिक रीज़न ये है संख ना बजने का ये रीज़न है, क्योंकि संख की ध्वनि से जो यहाँ पे बर्फ़ पड़ते हैं विंटर में, उससे काफ़ी क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं ग्लेशियर में, जो कि हानिकारक हो सकता है इस धाम के लिए। तो इसलिए संख का दूसरा रीज़न है नहीं बजाना। और जो आप 6 महीने जो पूजा होती है विष्णु भगवान की, वो बद्रीनाथ धाम में ना हो करके जोशीमठ में होती है, वो भी नरसिंह अवतार के रूप में वहाँ पे पूजा होती है, जहाँ के मैं मंदिर पे गया था। तो काफ़ी अलग अलग भिन्न भिन्न कथाएँ कहानियाँ हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। देखो पीछे कितना सुंदर लग रहा है, अरे वाह त्रिशूल बना दिया देखो। तो मैंने भी नहीं, त्रिशूल नहीं है कुछ। तो भाई यहाँ पे मार्केट में शॉपिंग भी कर रहे हैं आंटी जी लोग। तो क्या पसंद आया, कुछ आया कि नहीं आया? आ गया। नहीं थोड़ा लेट आता है, औरतों को पसंद है। आंटी क्या पसंद आया? मेरे को ये आया। अच्छा, इतने में तो लड़के पूरी दुकान ही शॉपिंग कर लेते। तो भाई आ गए हैं माना गांव। अब यहाँ से थोड़ा पैदल ट्रैकिंग स्टार्ट होगी इधर। बाकी मैं वसुधारा के आपको यहाँ से दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए लास्ट टाइम ये झरना है जहाँ पे हम यहाँ पे गए थे, और जो कि एक बहुत ही अच्छा स्थान है। यहाँ से सतोपंत का भी ट्रैक जाता है, जहाँ से बोलते हैं स्वर्ग की सीढ़ी, जो पांडव जी भी गए थे। बाकी माणा गांव को आज थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। वैसे मैं पहले आया हूँ, जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखी मैं कार्ड्स में ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, माणा के बारे में अच्छे से डिटेल्ड वीडियो जो बना रखी है वो आपको उससे देखने को मिल जाएगी। तो भाई जैसे आपने अलग अलग जो ड्राइंग्स जो वॉल पेंटिंग्स आपने देखी है, तो यहाँ पे जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो है इस गांव को माना गांव को गोद लिया गया है। तो इसीलिए खूबसूरत खूबसूरत दीवार में आप पेंटिंग देख सकते हैं। और ये भाई इतना महत्वपूर्ण गांव है, कहा जाता है कि वर्षों तक पहले ट्रेड यहाँ से हुआ करते थे, जो तिब्बत देश है और भारत देश के बीच इसी रास्ते से माणा गांव का एक मात्र जो रास्ता था, यहाँ से ट्रेड हुआ करता था, वर्षों तक व्यापार हुआ करता था।
बाकी जब चाइना ने ऑक्यूपाई किया तिब्बत को उसके बाद से तो नहीं ऐसा पॉसिबल हुआ, बट उससे पहले तक यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी। तो मैं फिर से माना गांव के एंड में जहां पे भीम पुल है, सरस्वती माता का मंदिर है, तो यहां पे हो जाते हैं दर्शन एकमात्र पूरे इंडिया में। कहा जाता है कि यहीं पे सरस्वती माता के दर्शन होते हैं और स्पर्श करने के लिए आप यहां पे जा सकते हैं स्पर्श करने के लिए। तो भाई ये है जो है भीम पुल, जो कि भीम ने अपने भुजाओं से रखा था जब पाँच पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे इसी रास्ते से, क्योंकि स्वर्गारोहणी का जो मार्ग है वो यहीं से है जहाँ से वसुधारा फॉल्स आते हैं, सतोपंत आता है। और एक चीज़ आप नोटिस करें, जैसे गणेश भगवान जी ने श्रापित किया था माता सरस्वती को कि यार शांत नहीं है बोल करके, जहाँ पे मंदिर है इस एरिया पे मंदिर है, सॉरी गुफा है, गणेश गुफा, जब वो महाभारत लिख रहे थे और यहाँ पे श्राप दिया था। और यहीं पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है पूरी शांत बह रही है सरस्वती माता, बहुत शांत की आवाज़ भी नहीं आएगी और वहाँ से विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है वहाँ। खैर अभी मालूम नहीं पड़ेगा, जब सर्दियों का टाइम होता है तब थोड़ा पता चल पाता है कि भाई पूरे ज़मीन के अंदर वहाँ से गायब हो जाती है सरस्वती नदी। बाकी माना विलेज अब जो है बहुत ही विकसित और अच्छा है, क्योंकि जो उद्देश्य धामी सरकार द्वारा या आप कह सकते हो मोदी गवर्नमेंट द्वारा जो वाइब्रेंट विलेज का कार्यक्रम चलाया गया, उसका उद्देश्य यही था कि यार जो अभी के जो लोग हैं वो शहरों में जा रहे हैं गाँव को छोड़ करके, क्यों ना विकास किया जाए गाँव को। इसलिए SBI ने भी यहाँ पे गोद दे रखा है और एक घूमने की जगह, एक पवित्र आस्था की जगह इसको बनाया है। इसीलिए इसको प्रथम इंडियाज़ फर्स्ट विलेज का नाम भी दिया गया इस साल से, जो कि उद्देश्य है कि पलायन रोके। अब सब शहरों में बस जाएंगे तो भाई गांव खाली पड़ेंगे और शहर में भीड़ बढ़ जाएगी, तो ये उद्देश्य थोड़ा जो अच्छा लगा गवर्नमेंट द्वारा अच्छा होना चाहिए। सभी का विकास, सबके साथ सबका विकास होना इम्पोर्टेंट है ये। तो भाई वहाँ से पहुँचे माणा गांव से, और वो भी भारत की पहली दुकान से जो कि कभी सबसे अंतिम दुकान हुआ करती थी, यहाँ पे देखिए सबसे पुरानी वो पहली दुकान, और यहाँ व्यू बहुत बढ़िया है। भाई बादल लगने स्टार्ट हो गए, हवा चल रही है और अपने देश की जान शान आन बान शान भारत का तिरंगा लहरा रहे थे। तो भाई माना गांव से यहाँ पे अंतिम दुकान पे आओगे ना तो यहाँ से स्टार्ट है रास्ता, जो कि द्रौपदी बाला सुंदरी का मंदिर है। यहाँ पे देखिए वहाँ पे टेंपल है, यहाँ पे भी आप दर्शन करने के लिए देखने के लिए आ सकते हो। और बाकी मैंने वसुधारा सतोपंत लेक बता दिया है, और एक और चीज़ यहाँ पे है जो है गुफा, ब्यास गुफा और गणेश गुफा, जो इम्पोर्टेंट मैंने बता दिया। तो भाई अभी हम ब्यास गुफा नहीं जाने वाले हैं, गणेश गुफा जाने वाले हैं। तो पिछले लास्ट ब्लॉग में मैं वहाँ गया था, इस बार नहीं जा पा रहा हूँ, गणेश गुफा जाऊँगा जहाँ पर उन्होंने महाभारत लिखी थी, तो वहाँ पर दर्शन आपको थोड़ा करा लेंगे और आंटी जी औरों को भी करा लेते हैं। बाकी अगर बारीकी से आप पूरे गांव की खूबसूरती देखते हो, पूरे माणा गांव की, ना आपको बहुत अच्छी लगेगा, एक एक जगह छोटी छोटी जगह जो कितने अच्छी कलाकारी हो रखी है। यहाँ पे देखिए पेड़, तो ये है भाई गणेश गुफा जहाँ पे व्यास जी ने सुना करके गणेश जी ने यहाँ पे लिखा था। ये देखिए चट्टान के नीचे है गुफा, जो कि अब मंदिर में कन्वर्ट हो चुके हैं, बाकी गुफा अंदर जा सकते हैं। और यहीं पे महाभारत लिखी थी गणेश जी ने। भीड़ आप देख सकते हैं, सब दर्शन करके आ रहे हैं जा रहे हैं। ये गुफा है, यहाँ पे महाभारत लिखी थी गणेश भगवान जी ने, पूरे चट्टान है, तो यहाँ से परिक्रमा कर सकते हैं। अरे मंदिर बना हुआ है, बहुत ही अमेजिंग है, यहाँ से बाहर।
तो भाई आज मौसम अच्छा होने की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे इतना भव्य जो मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, तो ये बहुत अच्छा काम हो रखा है यहाँ पे। देख, एक टाइम ऐसा था जब पलायन रुक नहीं रहे थे गाँव से, और आज देखिए शहरों से गाँव में आ रहे हैं काम के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में, और खूबसूरत गांव बना दिया। इससे अच्छी क्या बात हो सकता है कि यार हर एक कदम कदम पे इतनी भीड़, टूरिस्ट प्लेस। सरकार का थैंक यू कि पलायन उन्होंने रोका, लोगों को जाने से रोका, और उम्मीद करते हैं कि वो हमारे गांव से, लगभग दूर दराज गाँव से ऐसा ही काम करने में सक्षम हो, और उनका उद्देश्य जो है वो सफल रहे। जय भोलेनाथ। तो भाई ये देखें, नरसिंह भगवान के रूप में यहाँ पे विष्णु भगवान जी, और उनके साथ है प्रहलाद। तो भाई जब मंदिर क्लोज हो जाता है बद्रीनाथ धाम का, तो डोली जो जाती है वो जाती है जोशीमठ में, नरसिंह भगवान नरसिंह मंदिर में, कुछ ऐसा लगता है। तो भाई माना गांव में आपको ये सारे हैंडमेड दिखेंगे जो खुद के बुने हुए आंटी ने, और इधर पे आप ये देखिए जड़ी बूटियों की भी कमी नहीं है, जड़ी बूटियाँ भी यहाँ पर बहुत सारी मिल जाती है। देखिए ये चाय में, ये इधर, ये टोपी, बहुत सारी चीज़ें, गढ़वाली टोपी, हर चीज़ें। तो भाई ये देखिए भीड़ इतनी अच्छी ड्राइंग बना रखी ना, हर पूरे दीवारों पे, उधर देखिए शिव जी भगवान, भोलेनाथ, महाकाल, यहाँ पे माता सरस्वती जी, बहुत सारी चीज़ें ना, सुंदर लगता है इस चीज़ से गांव। यहाँ पे देखिए जो स्नो लेपर्ड होता है, स्नो लेपर्ड बना रखा है, और बाकी इधर भी देखिए बहुत प्यारी प्यारी ड्राइंग। तो भाई अभी पहुँच चुके हैं वापसी गोविंद घाट, एंटी और को छोड़ दिया दरबार साहब में रुकने वाले, अब मिलेंगे अगले साल जब भी आंटी का आना हुआ, दिल हुआ, भाई का आना हुआ, आंटी अंकल सब का आना हुआ, तो मिलते रहेंगे अगले साल, ठीक है? आओगे? नहीं, मुझे लग रहा है इस साल थक गए आप, अगले साल नहीं आओगे, अगले साल तो पक्का आएंगे, आज अच्छा मिलेगा। हाँ हाँ, आज हम अच्छे रहे, सब दर्शन वगैरह कर लिए, अब अगले साल तो हम पक्का आएंगे। तो बाकी यार भाई करते हैं, और नंदाष्टमी के लिए तो खैर वीडियो में ही आप दर्शन कर पाएंगे, देख पाएंगे, बाकी ठीक है, मिल लो, अब तो गर्मी में जा रहे हो आप ठंड से। चलो बाय बाय वीर जी, बाय वीर जी, बाय। तो भाई अभी मैं गांव पहुंच चुका हूं, अपने पुलना गांव में, और लगभग अभी 4:30 हो रहे हैं, 4:30, थोड़ा गोविंद घाट में मैं बैठा रहा, गाड़ी थोड़ी लेट आई, और बहुत अच्छा लगा है आज दोनों जगह दर्शन कर दिए। और आने वाले दिनों में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो माना गाँव पर बताऊँगा, तो शायद आपको थोड़ा सा मतलब जो एक नई इन्फॉर्मेशन, वो शायद मोस्टली लोगों ने कवर नहीं किया है, जो ब्लॉगर्स हैं उन्होंने कवर किसी ने आज तक नहीं किया है, तो मैं उसको कवर करना चाहूँगा, और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, थोड़ा रीडिंग, थोड़ी सी जो कलेक्टिविटी होती है गूगल सर्च और बुक से, वो निकाल करके आने वाले टाइम में उस सिर्फ माना गाँव पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। बाकी देखिए यार अपना गांव हमेशा खूबसूरत दिखता है, चाहे वो विंटर हो, चाहे वो गर्मी का दिन हो, देखिए कितना प्यारा लगता है, मेरा दिल खुश हो जाता है अपने घर देख करके, गांव देख करके। यहाँ पे देखो पेड़ वगैरह होने स्टार्ट हो चुके हैं, धीरे धीरे ग्रीनरी हो जाएगी अपने गांव में भी, तो अच्छा होगा, तो कुछ ऐसा है। तो इतने सारे बच्चे उठा दिए, देखो किसने सोचा मैं उठाऊंगा, ये देखो कितना चूहे जैसा लग रहा है ये वाला बच्चा, इसको देखो और इसका साइज देखो, ये सबसे बड़ा और इसका साइज देखो, इसका साइज देखो और इसका साइज बॉडी का, वो कितना छोटा लग रहा है, कितना बड़ा लग। तो भाई अभी मैंने एक पार्सल देखा जो एक मैम ने भेजा है, जन्नत मैम ने, ये देखो इसको खोल के देखना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा लग रहा है, और सिस्टर है, तो ये था शायद उसके अंदर राखी हो सकती है, देख। तो भाई इसमें लिखा हुआ है हैप्पी, भाई हैप्पी रक्षाबंधन, आई होप आप और मॉम डैड ठीक होंगे, मैंने आपके लिए राखी भेजी है, और मॉम के लिए सूट,
भेजा है। जब आपको पार्सल मिलेगा तो कॉल मी, यूज़ करती हूँ। आप और मॉम डैड खुश रहो, आपकी सिस्टर जाना। थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट, थैंक यू सो मच दीदी, हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन थोड़ी लेट ज़रूर है लेकिन मैं बांधूंगा अभी राखी। तो भाई ये है, शायद इसके अंदर होगी राखी, देखते हैं। तो भाई दीदी ने देखो यार, इतने प्यार से ये मेरे लिए, मम्मी के लिए, और ये तो ब्रेसलेट है जो चांदी का है। ओ माय गॉड, थैंक यू दीदी। तो दीदी आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच, ऐसे ही भगवान आप पे आशीर्वाद रखे और ऐसे ही प्यार बरकरार रखें। अब ये दिखाना है मम्मी को, मम्मी के लिए है। थैंक यू सो मच, दिखाता हूँ। तेरह वास्तव ये जी कहेगी कमिला आ गणी, अच्छी है, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद बोल, धन्यवाद। ये भी भेजी, अच्छा, अभी राखी भी लगू, अच्छा, अतिया को सूट भेजी, अच्छी है, बहुत अच्छी है। मम्मी खुश हो गई सूट को देख कर के, अष्टमी में यही पहनना सिल करके। खैर कल से ही अष्टमी शुरू है तो मुश्किल है, तो थैंक यू सो मच, अभी राखी पहनूंगा मैं हाथ मुंह धो करके ये। तो भाई यहाँ पे राखी तो दीदी बांध नहीं पाएंगी, ऐसी राखी हैं, तो अनन्या रखी आज तो वो बांध रही है। जन्नत मैम के हाथों की राखी है, थैंक यू सो मच रक्षाबंधन के लिए। तो भाई फिलहाल अब कल की तैयारी करनी है, बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, तो फिलहाल इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त कर लेंगे और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।